कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रामनगर नगर पालिका पहुंचे, जहां पर उनका विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर 3 महीने का समय सरकार ने मांगा है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने के साथ ही आरक्षण भी तय कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर की नगर निकायों में नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त किए गए थे। कई जगह प्रशासकों की कार्यशैली को लेकर शिकायत मिली है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर हमने 3 महीने का समय उसमें लिया है। इसी बीच हम लोग अपनी मतदाता सूची है, हमारे आरक्षण है, या इस प्रकार के जो भी प्राप्त हमारे एक्टिविटीज हैं वो हमें करनी है, और जैसी ये पूरा होगा तो निश्चित रूप से जो 3 माह का हमने समय लिया है, हमारा प्रयास होगा कि इसी दरमियान हम लोग चुनाव भी कराएं। जहाँ जहाँ प्रशासक यदि कोई गलत काम भी करेगा, लापरवाही भी करेगा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी निकाय चुनाव में अपना जादू बरकरार रखने को आतुर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से परिवर्तन की बात कर रही है, जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस की पूर्व मेयर प्रत्याशी रही मुक्ता सिंह का कहना है कि काशीपुर को बीजेपी प्रतिनिधियों ने विनाश की ओर ढकेल दिया है, जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। वहीं बीजेपी नेता आशीष गुप्ता ने कहा कि हमारी जनता के नेताओं के जनता के बीच जाना चाहिए, फिर भी शहर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करने को तैयार है। 15 साल से बीजेपी है यहाँ पर नगर निगम में, और नगर निगम का कोई काम नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कि नालियाँ बिल्कुल चोक्ड हैं। थोड़ा सा हमें भी इस बात के लिए सचेत होना पड़ेगा, एक नागरिक होने के नाते, कि नालियों में पन्नियाँ ना डालें, कूड़ा ना डालें, जिससे कि नालियाँ खुली रहें। लेकिन उसके बावजूद भी सफाई नहीं होती नालियों का। मैंने देखा सड़क पर झाड़ू लगाते हैं स्वीपर लोग और कूड़ा सारा नालियों में फेंक देते हैं, वो भी गलत। क्योंकि काशीपुर तो भाजपा में है, भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद, भाजपा के मेयर लगातार हैं, तो काशीपुर की जनता ने भाजपा के लिए मन बना रखा है। अब बात आती है कि हमारे नेताओं को भी ये देखना पड़ेगा कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें हम लोग उनकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं। इसके लिए मैं अपने नेताओं से अनुरोध करूंगा, जो निकाय चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी आपको एक्टिव दिखाएं, जनता के बीच में जाएं, जनता की परेशानियां सुने। चमोली से बड़ी खबर, बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी। डीएम ने सीमांत नीति घाटी के पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। डीएम ने चुनाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों को उप निर्वाचन की जानकारी दी गई है। घाटी के मतदाता पहली बार अपने मूल गांव में मतदान करेंगे। 3838 से माइग्रेट मतदाता अपने मूल गांव में वोट डालेंगे। ग्रीष्मकाल में नीतिमाड़ा घाटी के लोग गांव में रह रहे हैं। बीजेपी ने बद्रीनाथ उपचुनाव की फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। चमोली के बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश मैकुरी ने कर्णप्रयाग में कहा कि पार्टी की तैयारियों और रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता धरातल पर उतरकर मजबूती के साथ काम कर रही हैं और पार्टी बद्रीनाथ उपचुनाव को बड़े अंतर से जीतने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रमेश मैकुरी ने बताया कि सभी 7 मंडलों में मंडल स्तर के सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। वहीं बद्रीनाथ बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्रीय जनता के साथ संवाद किया जा रहा है, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। अपने मंडल स्तर और शक्ति केंद्र स्तर पर प्रत्येक कार्यकर्ताओं को हमने शक्ति केंद्र प्रभाषी के रूप में, चौवन जो हमारे शक्ति केंद्र है उसमें कार्यकर्ता है, अपने मंडल के प्रवासियों के रूप में आपने विधायकगण, आपने प्रदेश के पदाधिकारीगण लगातार मंडलों के कार्यकर्ताओं के संपर्क में, उसके साथ साथ ही अपने जिले में विधानसभा बद्रीनाथ में विशेषकर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम तय किए गए हैं, अपने प्रदेश के जो मंत्रीगण हैं वो कार्यक्रम तय किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है और विकास के आधार पर ही हम लोग वोट मांगते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के अनुसार और उनका जो विजन है उसके अनुसार पूरे राष्ट्र को मजबूती की ओर ले जाना है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी काम कर रहे हैं। और दूसरे में ऐसा है कि सरकार हर स्तर पे काम कर रही है, चाहे दलित है, चाहे पिछड़े हैं, चाहे गरीब है,
हर के लिए उत्थान के लिए काम कर रही है और हम लोग भी उस पर अपना काम करेंगे। मंगलौर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। बीजेपी और कांग्रेस में तेज हुई जुबानी जंग। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन का बीजेपी पर हमला 13 जुलाई के बाद क्षेत्र में दिखाई नहीं देंगे बीजेपी के नेता। प्रत्याशी ने कांग्रेस के बयान का पलटवार किया है। कांग्रेस बीजेपी से डरती है, जनता इस बार सबक सिखाएगी। बौखला के आदमी गुस्सा करता है या शांत होता है ये बताइए। बौखलाहट उनकी झलक रही है। मैं परसों आपसे कह रहा था, मैंने कहा राजनीतिक बहु, वो मुझसे कुछ छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी। बहु तो परमानेंट आती है, ये लिव इन रिलेशनशिप पर आए हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप वाले लोग हैं। तो अभी हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है? फॉर द टाइमिंग आना, फॉर द टाइमिंग जाना, चंद लंब समय के कुछ छोटे समय के लिए आना और जाना। 13 तारीख तक के लिए है, लिव इन रिलेशनशिप पर है। 13 के बाद देखेंगे भी नहीं आप इनको यहाँ। मैं 18 साल पहले आया था और मंगलौर ने मन बना लिया था कि आपकी बार बीजेपी सरकार और जिसका होगा करतार चौकीदार। लेकिन मुझे इतनी पता नहीं थी कि इतने लोग ये घबराते हैं हमसे, कि इनने चलाकी से नेताओं से मिलके ऐसे आदमी को टिकट दिला दिया, मेरा टिकट कटवा दिया, और उसमें इसने क्या क्या नाच किया होगा। पौड़ी की महिला किसान डॉक्टर सविता ने अकेले दम पर पहाड़ पर